महीने का सातवें दिन पर आ पहुंचे हैं हम। पूरा एक हफ्ता बीतने को आ गया है। कितनी जल्दी समय बीत रहा है मालूम ही नहीं चल रहा है। क्या उतनी ही तेज रफ्तार तीव्र रफ्तार हमारे पुरुषार्थ की हुई है? करना है चेकिंग और बनना है वाप समान। बहुत बहुत गुड इवनिंग आप सभी को, सत श्री अकाल, नमस्ते, ओम शांति। फिर एक बार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। स्वागत है आपके अपने फेवरेट शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदम पति में। बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम सभी मिलकर, ताकि आप यूं ही आगे बढ़ते चले और हमें भी उमंग उत्साह दिलाते रहे और खुद भी उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे, खेलते रहे, जीतते रहे और बाप के दिल तक नशीन आत्माएं बनकर विश्व सेवा करते रहे। तो आप सभी यही लक्ष्य से आते हैं, हर रोज मिलते हैं हमसे, भरते हैं अपने आप को बहुत सारी बातों से, दुआओं से, ज्ञान रत्नों से, बाप के वरदानों से, आशीर्वादों से। आपके श्रेष्ठ भाग्य की तो क्या कह रहे, अपनी पीठ थपथपाई और करी अपने ही भाग्य पर वाह वाह और वाह वाह। मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। ये नशा रहता है नहीं रहता है तो आज से चढ़ा लीजिए नशा, क्योंकि आपके जैसी भाग्यवान आत्माएं बहुत थोड़ी सी होती हैं। तो इस भाग्य को और बढ़ाएंगे, करेंगे मुरली को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का पूरा पुरुषार्थ, की मुरली का बनना ही है हमें स्वरूप, तो और भाग्य में वृद्धि होती ही रहेगी। तो चलिए इसी में एक छोटा सा प्रयास करते हुए, KBP टीम आपको हर रोज कराती है मुरली को रिवाइज, ताकि आप खेल खेल में मुरली से बहुत सारी बातें सीखें, समझे, से धारण करें और जीवन को सुखद बनाएं। तो चले करते हैं कल की मीठी मुरली को रिवाइज। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? यह शिव बाबा का रचा हुआ विनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश ना हो, और बाप ने युद्ध यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। वास्तव में हम जो पवित्र बनते हैं, भक्ति छोड़कर ज्ञान मार्ग में चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वो ही कारण बनता है विघ्नों का पड़ने का। क्योंकि दुनिया वाले तो समझते हैं शांति हो और बाप आया ही है विनाश करवा के इस पुरानी दुनिया का नई दुनिया बनाने के लिए। साथ ही साथ बाबा ने हमें अटेंशन खिंचवाया कि हमारे मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। उसके लिए मन को ज्ञान रत्नों से करना होगा संपन्न, तभी हमारे मुख से भी ज्ञान रत्न निकलेंगे। साथ ही साथ बाबा कहते ज्ञान से ही सबकी सदगति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं सुनना है। यानी बाप की मुरली पर रखना है पूरा पूरा अटेंशन, मुरली को ही पीना है, अंदर अंदर अपने मन में चलाते रहना है, मंथन करके उसका बनना है स्वरूप। इसीलिए कहते हैं अपनी घोर तो नशा चढ़े, तो इसलिए बाबा से सुनो सिर पर चिंतन, पर दर्शन, दुनिया भी बातें, भक्त आत्माएं क्या कहती है, वेद शास्त्र क्या कहते हैं, सब पे नहीं पढ़ना है, बस बाबा और बाबा की मुरली से करना है प्यार, तभी बनेंगे हम सच्चे सच्चे मास्टर मुरलीधर। साथ ही साथ बाबा कहते चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का करो पूरा अभ्यास। जाना चाहते अगर हम चढ़ती कला में उतरती कला से, तो करना होगा चलते फिरते उठते बैठते मेहनत बाबा को याद करने की। क्योंकि खाना खाना बैठते हैं तो एक बार याद करते हैं फिर बाबा की याद भूल जाती है। कर्म करना शुरू करते हैं तो बाबा को याद करते हैं फिर बीच में भूल जाते हैं। इस याद को ही पकड़े रहना, इस याद को बनाए रखना ही मेहनत का काम है। अगर वो करते हैं तो चढ़ती कला में अवश्य जाएंगे। साथ ही साथ बाबा कहते अगर सेवा की उमंग उत्साह से भरपूर हो तो माया से सदा ही सेफ रहोगे। तो बहुत बहुत आप सभी को मीठी शिक्षाएं मिली है फिर एक बार, और अब मौका आ गया है आज 6-10-21 की मुरली से 10 सवाल आपके सामने रखने के लिए, और साथ ही साथ बीच बीच में करने के लिए मुरली को रिवाइज। तो चलिए देर नहीं करेंगे, रखेंगे आज की मुरली से 7-10-21 की मुरली से आपके सामने 10 नए सवाल। सवाल में पहला सवाल पेश हुआ है, हियर नो एवर, एक बाप से ही सुनना है,
ग्रस्त व्यवहार में रहते किस किस समान रहना और बनना है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए कमल फूल, ऑप्शन बी बाप समान, ऑप्शन सी ईश्वर, ऑप्शन डी नॉलेज फुल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बता दीजिए सही जवाब और ले जाइए 10 पॉइंट्स फिर एक बार। वक्त समाप्त हो गया है, सही जवाब आपको बताते हैं ऑप्शन ए कमल फूल। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ, क्योंकि दे दिया है सही जवाब। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो पहले प्रश्न का तो दे दिया है बिल्कुल सही जवाब, 10 पॉइंट्स भी कर लिए अपने नाम। बढ़ते आगे, रखते हैं दूसरा प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले क्या नहीं होते। चार ऑप्शन, ऑप्शन उदास, ऑप्शन बी मूंछते, ऑप्शन सी बेफिक्र, ऑप्शन डी पारस बुद्धि। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है दूसरे प्रश्न का आपको सही जवाब। 15 सेकंड का वक्त आपको दिया जाता है हर प्रश्न के लिए, इसी में बताइए और ले जाइए 10 पॉइंट्स। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन बी मूंछते। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, बधाइयां कि आपने बिल्कुल दिया है इस प्रश्न का भी सही जवाब और 10 पॉइंट्स कर लिए हैं अपने नाम। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और ढेरों ढेर बधाई हो। बधाइयां भी ले लिया, ज्ञान रत्नों से भी हो जाइए भरपूर। बाबा कहते हियर नो एवन, एक बाप से सुनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। बाबा कहते हैं हियर नो एविल, हियर नो एविल, अर्थात न पर चिंतन सुनना है, न दूसरी व्यर्थ की फालतू बातें सुननी है, सिर्फ बाबा की मुरली को सुनना है, करना है उससे मनन चिंतन मंथन, और उसको करके धारण जीवन में खुद भी सुखी बनना है और गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान जीवन बिताना है। तो मुरली से ली शिक्षा, बढ़ चलते आगे, रखते हैं छोटा सा प्यारा सा तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, भक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए फिलॉसफी, ऑप्शन बी इनकॉग्निटो, ऑप्शन सी वर्शिप, ऑप्शन डी डिवोशन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितना मीठा सा प्रश्न है, बाबा ने बताया इसका सही जवाब, आप भी बताइए और बन जाइए तास खारी। वक्त दिया इशारा, सब सही जवाब ऑप्शन सी, ऑप्शन ए फिलॉसफी। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। दिया है तीसरे प्रश्न का भी सही जवाब और अगर 30 पॉइंट्स आ चुके हैं आपके पास तो बस ऐसे खेलते जाइए, बहुत जल्द आप बनेंगे आज ताज खड़े। रखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न है, भगवान को जानते नहीं तो किससे क्या फायदा होगा। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी सत्व प्रदान, ऑप्शन डी वैराग्य। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है इसका भी सही जवाब आपको। चौथा प्रश्न है, चार ऑप्शंस भी हैं, डिस्प्ले में भी दिख रहा है, ध्यान से पढ़िए और धैर्यता के साथ दीजिए सही जवाब। वक्त ने दिया इशारा, टाइम सब, सही जवाब है ऑप्शन ए भक्ति। जब भगवान को नहीं जानते तो भक्ति से क्या फायदा होगा। तो बहुत बहुत फिर एक बार आप सभी को हम करते हैं कॉन्ग्रेचुलेट कि आपने चौथे प्रश्न का भी दिया है बिल्कुल सही जवाब, 10 पॉइंट्स को कर लिया अपने नाम और फिर एक बार हो सकता है चार प्रश्नों का देकर बिल्कुल सही जवाब, 40 पॉइंट से भरपूर है आप। तो इसके लिए आपको देते हैं हम 40 गुना बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ भी ले लिए, पॉइंट से भी भरपूर हो गए, ज्ञान रत्नों से भी झोलियों को करते हैं भरपूर। बाबा कहते एक बात से रूहानी बातें सुननी है, किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है, ये ऐसा कहते हैं, वो वैसा कहते हैं, हमें इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कि हम सही है वो गलत है, जो जैसा कहते हैं, सबकी अपनी भावना है, सबकी अपनी मान्यता है, जबरदस्ती कोई भी बात किसी को समझाने के लिए लड़ाई झगड़ा या विवाद नहीं करना है, बल्कि ये जो बातें हैं पहले स्वयं में धारण करना, उसका स्वरूप बनना है, तो सामने वाले भाई बहन स्वयं ही परिवर्तन हो जाएंगे, उनको उस बातों का फर्क पड़ेगा, वो बातें उन्हें समझ में आएंगी। साथ ही साथ बाबा कहते देही अभिमानी बनने की करनी है मेहनत, सत्व प्रधान बनने के लिए एक बात की याद में रहना है,
हमारा पुरुषार्थ देह अभिमानी बनने का और साथ ही साथ सतो प्रधान बनने का अर्थात सात गुणों में संपन्न बनने का, जिसके लिए बाबा कहते और कोई शॉर्टकट नहीं है इस दुनिया में, ना भक्ति से, ना संन्यास लेकर, ना हठ योग करके किसी से भी नहीं बना जा सकता है। सतो प्रधान सिर्फ और सिर्फ घर ग्रस्त में रहते कर्म करते हुए निरंतर बाप की याद से ही हम आत्माएं सतो प्रधान बन सकती हैं और विश्व की राजाई को वापस प्राप्त कर सकती। पहले पाएंगे स्वराज और फिर मिलेंगे विश्व की बादशाही, विश्व की राज्यधिकारी हम बन सकेंगे। तो बहुत बहुत हम सभी ने गहरी शिक्षाएं मुरली से हम लेते रहते हैं और भी हमने भरपूर किया अपने आप को ज्ञान से। अब बढ़ चलते हैं आगे, रखते हैं आज का पांचवा प्रश्न। प्रश्न है, जन्म जन्मांतर मनुष्य किससे बात करते आए हैं? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए बाप, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी माया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ ही सेकेंड का वक्त और वक्त समाप्त हुआ। बताते हैं सही जवाब, ऑप्शन सी मनुष्य। आज तक तो हम मनुष्य से ही बात करते आए, अब बारी आई है ईश्वर को अपना साथी कंपेनियन बनाने की। तो जोड़े उसे सर संबंध और ये सर संबंधों का सुख उसे, जो सिर्फ एक ही बार संगम पर अनुभव करने का हमें मिलता है मौका। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर एक बार आपने दिया है सही जवाब, 10 पॉइंट से संपन्न है आप और 50% खेल पूरा हो चुका है। हो सकता है बहुत सारे भाई बहन बता भी रहे हैं, हमारे पास 40 पॉइंट्स हैं, 30 पॉइंट्स हैं, 50 पॉइंट्स वाले भाई बहन भी हैं। तो बहुत बहुत आप सभी को मुबारक है जी, ऐसे ही उमंग उत्साह बनाए रखिएगा, ज़रूर आप अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए रखते हैं मंजिल पर चलते चलते आपके सामने मुरली की कुछ पॉइंट्स। बाबा कहते हैं, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत हवा। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है, ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ हैं और हमारे सलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में अर्थात जीवन उनके हवाले है। तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है, सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। जीवन में चलते चलते बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, कई बार हम बोझिल हो जाते हैं, मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही कितना करूं। बाबा कहते हैं, दे दो सारे बोझ बाबा को और अनुभव करो बाप के साथ को और बन जाओ बेफिक्र बादशाह। जैसे लौकिक में भी किसी बड़े का हाथ और साथ हमारे साथ हो तो हम बेफिक्र रहते हैं कि ये फलाना बैठा है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता है। तो ठीक वैसे ही बनना है, निश्चय बुद्धि रखना है बाप पर पूरा निश्चय कि स्वयं भगवान हमारा साथ ही है, सब कुछ करने के लिए, कल्याण करने के लिए बैठा है, तो फिर हम क्यों फिक्र करें। दे दीजिए उसको सारे बोझ और हो जाइए हल्के, ये भगवान का इस वक्त वायदा है, भगवान पूरा साथ निभाएगा, तो ले लीजिए उसका पूरा फायदा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं छठवां प्रश्न। प्रश्न है, फिर जब सुख का समय पूरा होता है फिर रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है, यही खेल है, जिसे यथार्थ तृप्ति समझना है इसे ही क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए धर्म ज्ञान, ऑप्शन बी रूहानी ज्ञान, ऑप्शन सी तपस्या, ऑप्शन डी पुरुषार्थ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इशारा वक्त समाप्त, सही जवाब रूहानी ज्ञान। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। दिया इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब और 10 पॉइंट्स आपने कमा लिए फिर एक बार, तो मुबारक हो, मुबारक हो। बढ़ते आगे, रहते हैं सातवां प्रश्न। प्रश्न है, सारी दुनिया है एक तरफ और तुम क्या हो? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए कितने थोड़े, ऑप्शन बी शक्तिशाली, ऑप्शन सी पांडव, ऑप्शन डी मर्द जीवा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सातवां प्रश्न आ चुका है, 70% खेल चल रहा है, देखिए कितनी बड़ी बात है। आप सभी देते इतने जल्दी जल्दी आंसर सही जवाब कि हम बहुत जल्दी ही आगे बढ़ जाते हैं। वक्त समाप्त हुआ,
सही जवाब है ऑप्शन ए कितने थोड़े। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाई हो और बधाई हो आप सभी को, क्योंकि आपने फिर एक बार किया है कमाल, दिया है सही जवाब और जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। और अगर लगातार 70 पॉइंट से संपन्न है आप, यानी 7 प्रश्नों का अभी तक दिया है बिल्कुल सही जवाब, तो अब 8वां प्रश्न आ रहा है आपके लिए आपके अपने यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है, किसी से दूसरी बातों का क्या नहीं करना है। 4 ऑप्शन, ऑप्शन निर्धारण, ऑप्शन बी वाद विवाद, ऑप्शन सी ध्यान, ऑप्शन डी मनन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बता दीजिए 8वें प्रश्न का सही जवाब और हो सकता है कि आप आज बनिए जाए ताजधारी। वक्त समाप्त। सही जवाब है ऑप्शन बी वाद विवाद। तो बहुत बहुत मुबारक हो और फिर एक बार मुबारक हो। 8वें प्रश्न का देकर बिल्कुल सही जवाब कर दिया है आपने फिर एक बार कमाल, क्योंकि आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। और जिन भाई बहनों ने पूरे के पूरे 8 प्रश्नों का दिया है सही जवाब, वो सिल्वर क्राउन के हकदार बन चुके हैं। तो सिल्वर क्राउन जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है वो है आपके लिए, करिए इसे स्वीकार और ऐसे ही उमंग उत्साह के साथ बढ़ते चलिए, क्योंकि हो सकता है आप गोल्डन क्राउन भी जीत जाए और हो सकता है आज आप मास्टर मुरलीधर का ताज भी ले जाए। तो देर नहीं करेंगे, रखेंगे 9वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले करेंगे मुरली को रिवाइज। बाबा कहते पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। तो इस पॉइंट का करना है अनुभव, पुरुषार्थ पूरी सच्चाई से करना है, लगन के साथ करना है, तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी जरूर अनुभव होगी। रखते 9वां प्रश्न। प्रश्न है, हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में, अर्थात जीवन उनके हवाले, तो क्या उनकी हो जाती। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए सदगति, ऑप्शन बी जिम्मेवारी, ऑप्शन सी जीवन मुक्त अवस्था, ऑप्शन डी सेवा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा कि वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब बताने का वक्त आ गया है। सही जवाब ऑप्शन बी जिम्मेवारी। तो बहुत बहुत फिर एक बार आप सभी को बधाई हो और बधाई हो, क्योंकि आपने फिर से दे दिया है सही जवाब और फिर एक बार आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, बहुत बहुत मुबारकें, क्योंकि आपके पास अगर 90 पॉइंट्स है, यानी आपने 9 प्रश्नों का लगातार दिया है सही जवाब, तो आप जीत चुके हैं ये गोल्डन क्राउन। तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब बढ़ते आगे, रखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन क्या है। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी मोक्ष, ऑप्शन सी बाप का हाथ और साथ, ऑप्शन डी परिवर्तन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको इस प्रश्न का भी सही जवाब कुछ ही सेकंड्स के वक्त में, क्योंकि वक्त इतने तेज रफ्तार से गुजरता है कि वक्त समाप्त हो गया है। तो अब हम बताते हैं, बारी हमारी आ गई सही जवाब बताने की। सही जवाब है बाप का हाथ और साथ। तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपने इस प्रश्न का भी दिया है बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट से भरपूर है आप, और अगर 80, 90, 100 में से कोई भी पॉइंट आपके पास है, तो आप सिल्वर, गोल्डन या फिर मास्टर मुरलीधर के ताज से हो चुके हैं संपन्न। तो बहुत बहुत बधाई हो जी, आप सभी ने कमाल कर दिखाया है, दिया है बिल्कुल सही जवाब और आपकी मेहनत ने लाई है रंग फिर एक बार की। आप बन चुके हैं मास्टर मुरलीधर, दिल तक नशीन आत्माएं। तो बहुत बहुत मुबारक पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम की तरफ से। ये सुंदर सी ट्रॉफी आप सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने पूरी मेहनत करी है, ताजधारी बने हैं, दिल तक नशीन आत्माएं बने हैं और किया है कमाल और जीत चुके हैं ये ताज। तो आपको दी जाती है एडिशनल में ये ट्रॉफी भी साथ साथ। तो बहुत बहुत मुबारक हो। ट्रॉफी को करिए स्वीकार और ऐसे ही उमंग उत्साह को बनाए रखिए, बाबा को रखिए साथ
और जीतते रहिए, खेलते रहिए, हर रोज मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ संसार में बांटते रहिए, क्योंकि खुशियों की संसार में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। अच्छा, अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में, जिसका नाम तो आपको मालूम ही है। तो ठीक, हमारे साथ जुड़ जाइएगा समय पर, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें विदाई। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।